Assalamu alaikum students, hope all of you will be fine. This is Javed Zulfikar, your physics teacher for class 9. This lecture is very important about screw gauge. Before this lecture, humne padha tha vernier calipers ke baare mein. So vernier calipers se bhi jo instrument acha hai, jo more accurate hai as compared to vernier caliper, wo screw gauge hai. So screw gauge mein humne ye dekhna hai कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी सबसे पहले जी. तो देखिए, वर्नियर कैलिपर्स हमने देखा था कि एक सेंटीमीटर को क्या करता है, 100 बार में कर लेता है, ऐसा ही है. सो उससे भी ज़्यादा, जब हमें मोर, उससे भी ज़्यादा बारीक, इवन दैट कि हमें एक पेज की मोटाई चाहिए हो, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे. एक कॉइन की मोटाई या एक बारीक जो बाहर आपके बुक का जो गत्ता, जिसको आप कहते हैं मोटा पेज कह लें, उसकी मोटाई कैसे फाइंड होगी. ऑब्वियसली वर्नियर कैलिपर से भी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट चाहिए था, जो कि स्क्रू गेज है. सो स्क्रू गेज में हम देखेंगे कि कैसे हम बारीक जो है वो बारीक से बारीक चीज़ों की मोटाई फाइंड कर सकते हैं. सबसे पहले तो मैं इसका इंट्रोड्यूस करवा दूँ. इसके लिए मैंने सबसे पहले आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाई है, वेरी सिंपल कोशिश की, ताकि आप लोगों के लिए, आप लोग इसको इजीली बना सकें. आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करिएगा. आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रही है ये डायग्राम, लेबल डायग्राम है, क्लियर जी. तो इसमें हमने देखना है कि क्या क्या इसमें होता है. सबसे पहले तो एक यू शेप मेटल फ्रेम है इसका, यू शेप. इसके साथ स्टड अटैच होता है, यू शेप मेटल फ्रेम के साथ स्टड अटैच होता है, क्लियर. उसके बाद जो इसकी मेन चीज है वो इसका स्केल है, ये स्केल है. समटाइम इसके, ये बेसिकली इस पे 0, 5, 10 इस तरह से होता है, क्लियर. ये स्केल है और इसको इंडेक्स लाइन भी कहते हैं, क्लियर. ये होलो सिलेंडर के ऊपर एक स्केल है, इसको इंडेक्स लाइन कहते हैं. इंडेक्स लाइन के अलोंग स्केल है, और ये किसके ऊपर है, ये होलो सिलेंडर के ऊपर है. और उसके साथ एक दूसरा स्केल है जिसको सर्कुलर स्केल कहते हैं. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सर्कुलर स्केल. ये जो स्केल है इसको सर्कुलर स्केल कहते हैं, ये थिम्बल के ऊपर बना हुआ है, क्लियर. और इसके अंदर, इस स्केल के अंदर थ्रेड्स होते हैं, जिसको चूड़ी कहते हैं. जब आप किसी चीज को टाइट करते हैं तो उसके अंदर चूड़ियां होती हैं, उसको थ्रेड कहते हैं. जब आप इसको क्लॉक वाइज घुमाते हैं तो ये आगे चलता जाता है. यहाँ पे आप इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाएं तो ये लूज होगा, टाइट नहीं होगा, क्लियर. अब होता क्या है इसका, जैसे जब हम एक, ये जो है ना, ये बेसिकली मैं इसको मजीद जो है वो कर दूं, ये 5, 8, 10, 15 ऐसे है. ये जरा ऊपर नहीं, खुला खुला होता है. यहाँ पे ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया. ये जो एक से दूसरी लाइन, दूसरी से तीसरी, आप इसको एक दर्जा कह लें. एक लाइन से दूसरी लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर है. बेसिकली ये मिलीमीटर स्केल है, क्लियर स्टूडेंट्स. ये कौन सा स्केल है, मिलीमीटर स्केल है, क्लियर. अब होता क्या है, इसको ऐसे फिक्स किया होता है कि जब आप इसको एक बार इस तरह सर्कुलर मोशन करवाते हैं, यानी एक सर्कल जब ये कंप्लीट करता है, अब ये यहां पर है ना सपोज, तो एक सर्कल तो अब कंप्लीट होगा. जब दोबारा यहां पर आ जाए तो ये एक सर्कल जब कंप्लीट होता है तो यहां पे मेन स्केल के अलोंग, यानी इंडेक्स लाइन के अलोंग 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर हो जाता है. दोबारा सुन ले, जैसे ये जो सर्कुलर स्केल है, ये एक बार रेवोल्यूशन, यानी एक सर्कल कंप्लीट करके आ जाता है ना. जब सर्कुलर स्केल, जब एक सर्कल कंप्लीट करके आ जाता है ऐसे, तो इंडेक्स लाइन के अलोंग जो स्केल है उसके ऊपर 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर होता है, क्लियर. समझ आ गई. अब इस बात को 2 से 3 बार सुनना है आपने, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए. सो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर होता है जब ये एक बार, एक चक्कर कंप्लीट या एक साइकिल कंप्लीट करता है, क्लियर ऑल द स्टूडेंट्स. अब होता क्या है, ये जो सर्कुलर स्केल है, ये 100 इसके ऊपर दर्जे लगे. ये स्केल जो है ये 0 से स्टार्ट होता है और 99 तक, यानी 100 टोटल होते हैं, 100 दर्जे होते हैं इसके ऊपर, क्लियर. अब ये आप देखेंगे जब आपने इसको कंप्लीट मूव करवाया है तो ये कितने, पूरे 100 दर्जे कंप्लीट जो है वो हो चुके हैं, ऐसे ही हुआ. और इंडेक्स लाइन के लॉन्ग कितना कवर हुआ, 1 मिलीमीटर,
क्लियर है। तो इसलिए ये 1/100 है, क्योंकि इंडेक्स लाइन ये जो स्केल है ये मिलीमीटर के, इसके ऊपर सिर्फ मिलीमीटर है। क्लियर, आपने इस बात को कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर ये जो मेन स्केल आप इसको कह सकते हैं जो कि इंडेक्स लाइन के अलोंग है, इसको ये जो स्केल होलो सिलेंडर के ऊपर है यहाँ पर मिलीमीटर होता है सिर्फ। जब ये एक बार घूमता है तो एक मिलीमीटर कवर होता है, और एक बार घूमने से कितने दर्जे कवर होते हैं, 100, क्योंकि इसके ऊपर बेसिकली सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 जो डिवीजंस की होती हैं, सो 100 डिवीजंस कंप्लीट हो जाती हैं, सो इस वजह से 1/100। क्लियर, सो 1/100 को जब डिवाइड करेंगे ये मिलीमीटर में आ जाएगा। क्लियर ऑल द स्टूडेंट्स। अब जब क्या होगा, जब इसको सेंटीमीटर में लाना होगा तो मजीद 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, मजीद सॉरी 100, तो ये क्या आ जाएगा, 0.001 आ जाएगा सेंटीमीटर। क्लियर, जब हम इसको इसका पॉइंट में इसको रिमूव करता हूं तो नीचे देखिए क्या आएगा, 1, 1, 2, 3, यानी 1 सेंटीमीटर के 1000 पार्ट, यानी 1000 पार्ट्स करता है ये। इतनी ज्यादा एक्यूरेसी है इसमें, इसलिए हमें इसकी जरूरत महसूस हुई। बट आजकल लेबोरेटरीज में, मार्केट्स में ये डिजिटल भी आ चुके हैं, मोर एक्यूरेट, बट हमें डिजिटल, हमें दूसरे, हमें इसकी रीडिंग लेनी आनी चाहिए। इसका जो दूसरा नाम है, वैसे इसको स्क्रू गेज बोलते हैं, इसका जो दूसरा नाम है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता है। क्लियर, इसमें जो है वो ये लॉक होता है, आपने इसको यहाँ से रिचर्ड से पकड़कर इसको आपने यूं टाइट करना होता है, रिचर्ड से पकड़कर। क्लियर, इस तरह से जब आप टाइट, और इसको जेंटली आपने टाइट करना, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना। जब ये टाइट हो जाएगा तो टिक 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 की आवाज आएगी, सो आपने 3 बार सुनना है। वो प्रैक्टिकल है, मैं इसलिए नहीं बता रहा था, इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे जब क्लास में तो ये ज्यादा बेहतर आप लोगों को पता चल जाएगा। बट हम अभी इसका जस्ट इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ये इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपने इसको इसको अच्छे से जो है इसकी डायग्राम बनानी है, 2 बार प्रैक्टिस करनी है। बहुत आसान है, देखने में डिफिकल्ट लगती है, लेकिन जब जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगी। क्लियर, इसका आपने जो है वो ये लीस्ट काउंट याद करना है, सेंटीमीटर में भी और मिलीमीटर में भी। क्लियर, और अगर आपसे कोई लीस्ट काउंट का फार्मूला पूछेगी कि कैसे आया, तो मैं बता चुका हूं कि जब ये एक बार कंप्लीट चक्कर मुकम्मल करता है तो 100 डिवीजन क्रॉस कर जाता है, और 100 डिवीजन क्रॉस करता है तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस होता है, यहाँ पर 1 मिलीमीटर का होता है, सो 1/100 आ जाता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर, सो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। और एक बात और कि जब ये 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है उसको पिच कहते हैं, पिच ऑफ द स्क्रू गेज। पिच ऑफ द स्क्रू गेज, पिच क्या होती है कि जब सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल या इसको कह रहे हैं थिम्बल, as the thimble complete one rotation, 1 millimeter will be covered along the index line. This distance is called pitch of the screw gauge. Clear? So ये pitch है, ये इसमें pitch की definition और ये जो formula है ये same ही है। Pitch of the screw gauge कितनी होती है, 1 millimeter, क्योंकि एक बार जो है वो complete circle मुकम्मल होने पे 1 millimeter का distance cover होता है। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे इसमें पॉजिटिव 0 एरर, नेगेटिव 0 एरर और 0 एरर। सो तब तक देख लेते हैं, अल्लाह हाफिज़।